हाय फ्रेंड्स, मैं आकाश आपका स्वागत करता हूँ दिक्सर रिसेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज मॉक टेस्ट पेपर 2 है, इसमें भी 20 क्वेश्चंस हैं। इससे पहले ऑलरेडी एक मॉक टेस्ट पेपर अपलोड हो चुका है, आप ज़रूर उसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सामने आपका MTS एग्ज़ाम है, IB है एंड SSC साइंटिफिक असिस्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर के पैटर्न में मैं क्वेश्चन ये बनाया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो रिलेवेंट आ सकते हैं क्वेश्चंस, तो ज़रूर इसको देख लीजिए, एटलीस्ट आपको पैटर्न कॉमन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते, क्या है। वॉज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी, तो गदर पार्टी का फाउंडर कौन है, लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, UN कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, इसको कौन सा बॉडी ने रिप्लेस किया है, तो वो है आपका ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट किसने पास किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने पास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिमालयस का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पीक कौन सा है, दैट इज नामचा बड़वा। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिल्ली सुल्तानेट का सेवियर किसे कहा जाता है, तो वो गियासुद्दीन बलवंत को कहा जाता है, ठीक है। तो ये पांच क्वेश्चंस GS का है। नेक्स्ट हम लोग पांच क्वेश्चन इंग्लिश का देख लेते हैं। तो देखिए पहले वन वर्ड है, अ रूम और बिल्डिंग फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, उसको हम लोग ग्रीन हाउस बोलते हैं। एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, देखिए, द चिल्ड्रेन फाउंड द स्टोरी फनी, तो इसका ऑप्शन क्या है, ह्यूमरस, बैड, रिडिकुलस, नो इंप्रूवमेंट। तो देखिए ह्यूमरस, वेर रिडिकुलस कोई भी नहीं हो रहा क्योंकि स्टोरी फनी था, मज़ेदार था, तो ये नो इम्प्रूवमेंट है आपका। नेक्स्ट देख लेते एरर करेक्शन के ऊपर, ही हैज़ प्रॉमिस टू पे मी द होल अमाउंट इन चेक विद द स्टिपुलेट टाइम, नो एरर। तो देखिए विद नहीं होता, दैट इज विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम में होगा आपका, विद इन हो जाएगा विद के जगह। नेक्स्ट देख लेते फिल इन द ब्लैंक्स, डैश नॉकिंग एट द गेट ही डिमांडेड एडमिशन, तो देखिए अगर डिमांड एडमिशन कर रहे हैं माने एडमिशन का परमिशन ले रहा है, तो वो काइंडली नॉकिंग एट द डोर होगा, ठीक है। तो काइंडली नॉकिंग एट द गेट ही डिमांडेड एडमिशन। नेक्स्ट देखिए एक आपका idiom से, ट्रूथ एंड नेल, मतलब टू फाइट इन वेरी डिटरमाइंड वे फॉर व्हाट यू वांट, आपको जो चाहिए उसके लिए एकदम आप सोच के डिटरमाइंड होके आप उसको फाइट कर रहे हैं, तो वो ट्रूथ एंड नेल हो जाएगा। नेक्स्ट फाइव क्वेश्चन हम लोग रीजनिंग का देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 25, 36, 11, 49, 81, 16, 16, 64 क्वेश्चन मार्क। तो इसका पैटर्न क्या है, देखिए रूट 25 प्लस रूट 36, मतलब 5 प्लस 6 11 हो गया। तो सिमिलरली 16 का रूट कर दीजिए 4 एंड 64 का रूट कर दीजिए 8, तो 12 हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देख लेते, एक सीरीज दिया हुआ है, मिसिंग सीरीज है 0, 3, 8, 15, 24-48। तो इसमें देखिए जो चेंज हो रहा है, प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, तो 24 से प्लस 11 कीजिए तो 35 आंसर आ जाएगा आपका मिसिंग नंबर, ठीक है। अब देखिए क्या है, आपको रीअरेंज करने मीनिंगफुल ऑर्डर में देने के लिए बोला गया है, वेविंग कॉटन क्लोथ एंड थ्रेड। तो देखिए पहले क्या होगा आपका, कॉटन होगा, कॉटन से हम लोग थ्रेड बनाएंगे, थ्रेड को वेविंग करेंगे, उसके बाद ही जो है कपड़ा बनेगा हम लोग का, क्लोथ होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक स्टेटमेंट कंक्लूजन है। तो स्टेटमेंट कंक्लूजन में देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑल क्रोज आर बर्ड्स, ऑल पीकॉक्स आर क्रोज, ठीक है। तो ऑल क्रोज आर बर्ड्स, ऑल पीकॉक आर क्रोज, ठीक है। तो इसका देखिए क्या बन जाएगा, तो देखिए ऑल क्रोज आर बर्ड्स पहला आपका एक बन जाएगा, फिर दूसरा क्या बनेगा, ऑल पीकॉक्स आर क्रोज, और एक आपका डायग्राम बन जाएगा। थर्ड डायग्राम हम लोग क्या बना सकते हैं, ऑल पीकॉक्स आर क्रोज एंड ऑल क्रोज आर बर्ड्स, तो ये थर्ड डायग्राम आपका बन जाएगा। तो देखिए क्या आ रहा है, ऑल पीकॉक्स आर बर्ड्स, तो आप अगर थर्ड डायग्राम को देखेंगे तो ऑल पीकॉक्स आर बर्ड्स ये तो फॉलो हो जाएगा, और ऑल बर्ड्स आर पीकॉक्स, लेकिन ऑल बर्ड्स आर पीकॉक्स नहीं हुआ, तो दो नंबर नहीं होगा, ओनली वन फॉलो हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते, आपको वेन डायग्राम दिया गया है, पुलिस, थीप एंड क्रिमिनल। तो पुलिस आपका जो है अलग से हो जाएगा, जो थीप है वो सब क्रिमिनल है, तो क्रिमिनल थीप नीचे हो जाएगा, उसके बाद बड़ा सर्कल एक क्रिमिनल का हो जाएगा। तो ये पाँच रीजनिंग के थे। मैथ्स देख लेते हैं, तो मैथ्स के पांच क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 40% एंड ब्रेथ जो है 30% डिक्रीज किया, तो चेंज इन एरिया क्या है, इसका फॉर्मूला देख लीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ये फॉर्मूला हर में काम आएगा, अगर आपको बोला एक डिस्काउंट बढ़ रहा है एक घट रहा है, या दोनों डिस्काउंट बढ़ रहा है या दोनों प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, दोनों लॉस है, कोई भी अगर आपको परसेंटेज में दे दे, तो ये फॉर्मूला आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, अब जहाँ जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव कर दीजिए। जैसे अभी देखिए 40 इंक्रीज हुआ है तो x 40, लेकिन y डिक्रीज हुआ है तो उसको माइनस 30 कर दीजिए। अब देखिए ये y क्योंकि माइनस है, तो उसके लिए जो xy के पहले जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे,
तो दैट इज़ -40 × 30/100 करेंगे तो -2% आपका माइनस में आ रहा है, मतलब डिक्रीज, तो एरिया 2% डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल 24 मीटर दिया हुआ है एंड सर्कमफ्रेंस जो है इन सर्कल का, एंड सर्कमफ्रेंस इन सर्कल का 44 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो फाइंड एरिया पूछा गया है, तो देखिए सर्कमफ्रेंस जो है 44 मीटर है, मतलब 2πr = 44, तो हम लोग पाई का मान 22/7 पुट करेंगे तो रेडियस आपका 7 आ जाएगा दोस्तों। अब हम लोग एरिया क्या जानते हैं, फॉर्मूला इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर, तो इन रेडियस कितना है हम लोग का 7 है और पेरीमीटर हम लोग को 24 दिया हुआ है, तो सेमी पेरीमीटर 12 हो जाएगा, तो 7 × 12 आपका 84 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ़ अ सम ऑफ मनी एट एसआई डबल्स इन 5 ईयर्स इट विल बिकम 4 टाइम्स इन ईयर। ये सिंपल लॉजिक से कर लीजिए, डबल 5 साल में तो 3 × 10 साल में, 4 × 15 साल में, या आप अगर फार्मूला में जाना चाहें तो पहले आपको रेट निकालना पड़ेगा फिर आप टाइम निकालिए। तो रेट का फॉर्मूला क्या है, 100 आपका डबल हुआ था 5 साल में, तो 2 − 1 जो टाइम्स होगा वो उसमें बैठा दीजिएगा, तो एक्चुअली फार्मूला है 100 × x − 1 / आपका जो है टाइम। तो इसमें देखिए 100 आपका x मतलब कितना गुना हुआ था, तो 2 − 1 / आपका टाइम कितना था, 5 साल, तो इधर आपका 20% रेट आया, उसी को आप पुट करेंगे किस में, टाइम में, तो टाइम देखिए 4 गुना मांग रहा है, तो 100 तो x मतलब क्या हो जाएगा, 4 × 4 गुना, तो 4 − 1 / आपका रेट क्या था 20, तो टाइम 20 नीचे आएगा तो 15 ईयर्स हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, या अगर आप सिंपल ये लॉजिक से डबल 5 साल में, 3 × 10 साल में, 4 × 15 साल में, इसमें भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 30 मैन प्रोड्यूस 1500 यूनिट्स 24 दिन में वॉकिंग 6 घंटा डेली, तो कितने आदमी इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में 18 मैन प्रोड्यूस 1800 यूनिट्स वॉकिंग 8 आवर्स देते हैं। तो ये देखिए कभी भी चेन रूल हो तो ये फार्मूला हमेशा अपनाइए, मैन वन टाइम वन या डेज वन, आवर वन एफिशिएंसी 1/W1, मैन टू टाइम या डेट टू, आवर टू एफिशिएंसी 2/W2, तो आप इसको पुट कर दीजिए, आपका आंसर 36 आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं, अबाउस कंप्लीट जर्नी इन 12 घंटे में, फर्स्ट हाफ 22 किलोमीटर स्पीड से गया, सेकेंड हाफ 26 किलोमीटर से गया, तो डिस्टेंस पूछ रहे हैं। तो पहले हम लोग एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, 2xy / x + y आपका करने से क्या आ जाएगा, 286/12 किलोमीटर/आवर। अब हम लोग को डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पता होता है, डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज स्पीड इंटू टाइम, तो एवरेज स्पीड कितना आ गया, 286/12, और आपका टाइम कितना दिया हुआ, 12 घंटा, तो गुना कर दीजिए 286 किलोमीटर हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा से इसको कीजिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ भी क्वेरी है तो ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।